आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। वैश्विक गिरावट के रुख के बीच दिल्ली तेल तिलहन बाजार में मंगलवार को खाद्य तेलों की कीमतों में चौतरफा गिरावट का रुख देखने को मिला और दाम कमजोरी दर्शाते हुए बंद हुए। बाजार सूत्रों का कहना है कि मलेशिया एक्सचेंज और शिकागो एक्सचेंज में भी काफी गिरावट रही थी। विदेशी बाजार में गिरावट के रुख से स्थानीय तेल तिलहन बाजार में मंदी का रुख कायम हो गया और लगभग सभी खाद्य तेल तिलहनों के भाव कमजोरी दर्शाते बंद हुए। सूत्रों का कहना है कि आयातित तेल के मुकाबले देशी तेल सस्ते हैं और मंडियों में मंगलवार को सरसों की रिकॉर्ड तोड़ आवक हुई थी। मंडियों में सरसों की आवक लगभग 15 लाख बोरी की देखने को मिली थी। सरसों और मूंगफली की घरेलू मांग बढ़ी है क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण सूरजमुखी की आपूर्ति प्रभावित है। ऐसे में मूंगफली तेल से सूरजमुखी तेल की कमी को पूरा किया जा रहा है। वैश्विक मंदी के रुख के कारण सरसों और मूंगफली के भाव भी टूट गए हैं। सूत्रों ने कहा है कि खाद्य तेलों के आयात पर भारी निर्भरता को दूर करने के लिए सरकार को किसानों को प्रोत्साहन और लाभकारी खरीद का भरोसा देकर तेलन उत्पादन बढ़ाने पर जोर देना एक सही कदम साबित हो सकता है। सूत्रों ने बताया कि बेहतर पैदावार होने के कारण लगभग 1990 से पहले देश को सूरजमुखी का आयात नहीं करना पड़ता था, जबकि मौजूदा दौर में भारत को आमतौर पर प्रति महीने 1.75 से 2 लाख टन सूरजमुखी तेल का आयात करना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप, बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।